नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बच्चेदानी की सूजन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसा गांव में बोला जाता है बच्चेदानी में सूजन है। बहुत बार डॉक्टर्स भी ऐसा बताते हैं कि बच्चेदानी में सूजन है, और पेशेंट परेशान रहता है कि आखिर ये बच्चेदानी में सूजन है क्यों, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं, उन्हें पता क्यों नहीं लगा, या उन्हें कैसे कैसे उन्हें पता लगना चाहिए कि सूजन हो रही है। बेसिकली बच्चेदानी में सूजन बहुत सारे कारणों से हो सकती है। कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं जो क्यूरेबल हैं, कुछ ऐसी हैं बहुत बार जिनका हमें स्टार्टिंग में पता नहीं लगता है। जैसे बच्चेदानी में सूजन का जो सबसे कॉमन रीज़न है वो है इन्फेक्शन, PID यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। बच्चेदानी और उसके आसपास में अगर कोई सीवियर इन्फेक्शन रहता है तो उसकी वजह से बच्चेदानी में, नलों में और बच्चेदानी के आसपास के जो भी ऑर्गन्स हैं उन सब में सूजन देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट्स में जो कॉमन लक्षण मिलते हैं वो ये कि उन्हें रिलेशन बनाने में पेन होता है, उन्हें इनफेक्ट रिलेशन बनाने का मन नहीं करता है, पीरियड्स के दौरान भी बहुत सीवियर पेन होता है, ओवुलेशन के दौरान पेन हो जाता है, या फिर यूरिन पास करते हैं तो बार बार जलन की इशू आते हैं, या रिलेशन बनाने के बाद बर्निंग मैच्योरेशन का इशू होता है। बहुत बार लोग बहुत लंबे टाइम तक ऐसा अवॉइड कर देते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उन्हें बहुत सीवियर पेन हो रहा होता है, एंड दे फील कि पेन तो बहुत कॉमन है तो ऐसा कुछ सीरियस है नहीं तो उसे इग्नोर कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वही पेन कई बार डिजीज भी हो सकता है या किसी डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, तो इसलिए उसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। अगर PID है या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ की वजह से यूट्रस में स्वेलिंग है तो उसमें जो भी डॉक्टर आपको देख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देते हैं। नॉर्मल तौर पर आप पुनर्नवा, गोखरू का काढ़ा अगर लेते हैं, या दशमुलारिस जो कि बहुत कॉमनली मिल जाता है तो आप लेते हैं, तो PID जैसे केसेस की वजह से जो स्वेलिंग है वो रिजॉल्व हो जाती है, लेकिन अगर आपने इन्फेक्शन को क्योर नहीं किया है तो वो स्वेलिंग वापस से आ जाएगी। इसलिए रूट को भी रिजॉल्व करना डॉक्टर की सलाह से इम्पॉर्टेंट रहता है। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अगर आपको स्वेलिंग है तो आपको भयंकर पेन रहता है, बहुत पेशेंट्स में पूरे महीने भी पेन रहता है, तो इसलिए एंडोमेट्रियोसिस का जब आप ट्रीटमेंट करेंगे तभी ये स्वेलिंग जा पाएगी। सेम गोज़ टू एडिनोमायसिस ऑल्सो। एडिनोमायसिस के पेन में सीवियर क्रैम्प्स होते हैं पीरियड्स के दौरान, अनबियरेबल कंडीशन होती है, लोग दो दो तीन तीन पेन किलर्स खाकर रुकते हैं, तो ऐसी अगर सिचुएशन है तो भी आपको डॉक्टर से सलाह लेकर एडिनोमायसिस का ट्रीटमेंट लेना होगा, तभी आपकी ये समस्या रिजॉल्व होगी। आई होप अब आप बच्चेदानी की कॉमन समस्या को, कॉमन सूजन को, और अदर सॉर्ट ऑफ बच्चेदानी की सूजन जो रहती हैं उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और डॉक्टर से परामर्श करेंगे, ऐसी गंभीर विषय को इग्नोर नहीं करेंगे। अगर आप शुरुआत में ही चीज़ों पर ध्यान देके उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो भविष्य में जाकर आपको इन समस्याओं की वजह से इनफर्टिलिटी जैसी गंभीर समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। आई होप अभी आपके इश्यूज़ रिजॉल्व हुए होंगे, क्वेरीज रिजॉल्व होंगी। फिर भी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनकी क्वेरीज का आंसर दे सकें। धन्यवाद।